लेक्चर नंबर 38 से 42 तक की प्रिपरेशन करेंगे और कोर्स हमारा CS40 यानी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है। और ये जो वीडियो है, ये जो हमारी रिकॉर्डिंग है, इसमें कुछ एंड पे मैं आपको पास पेपर्स भी बताऊंगी कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। और इन ये जो 5 लेक्चर हैं 38 से 42 तक, इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ों की प्रिपरेशन करवाऊंगी जो पास पेपर में आए हुए हैं, जो आ सकते हैं, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो मैं नहीं करवाऊंगी, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है और जितना करवाऊंगी बहुत अच्छा करवाऊंगी और अनइम्पॉर्टेंट नहीं करवाऊंगी। अगर आपका डिटेल इससे भी ज़्यादा डिटेल में जाने को अपना मूड है या इंटरेस्ट है तो आप वो बुक से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो लेक्चर नंबर 38 में सबसे पहले उन्होंने PDA यानी जिसका मुखफ्फफ या स्टैंड कह लें, पुश डाउन ऑटोमेटा होता है, तो इसकी डेफिनेशन जो है ना वो कुछ इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले तो बात यह है कि डेफिनेशन जो है वो प्रिपेयर करनी है आपने, ठीक है। इसको हम जी से जो है वो डिनोट करेंगे, जी के अंदर आएगा क्यू सिग्मा, एक ये वाला साइन, एस एफ और जी नॉट, ठीक है। ये जो एस है, अब मैंने बताना है कि ये जितने भी मैंने स्पेल यूज़ किए हुए हैं इस ब्रैकेट्स के अंदर वो बेसिकली शो किसको कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो एस है ये इनिशियल स्टेट को शो करता है, ये जो एफ है वो फाइनल स्टेट को, क्यू जो है वो नॉन एंड पर्टिकुलर एक्शन ऑफ फाइनाइट स्टेट को करता है, सिग्मा सेट ऑफ इनपुट्स को करता है, ये वाला साइन जो है ये सेट ऑफ स्टैक सिंबल्स को करता है, यानी कि जो स्टैक हम यूज़ करते हैं तो उसके सेट्स को शो करता है, जी नॉट जो है बॉटम ऑफ स्टैक को शो करता है, और ये वाला जो साइन है ये ट्रांजिशन फंक्शन को करता है टू डिफाइन मूव्स कि हमने कितने मूव्स लिए। बेसिकली जो PDA है पुश डाउन ऑटोमेटा, उसमें हम डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं ना, तो जब अगर उसकी डेफिनेशन की बात आ जाए कि वो क्या है, तो आपको ये स्पेल लाना चाहिए, ठीक है। उसको हम डिनोट किससे करते हैं, जी से। जी का मतलब होता है ग्रामर, ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंगली, ठीक है। और फिर मैंने ये सारी चीज़ें, ये जो स्पेल क्यू सिग्मा, ठीक है, रो एस एफ जी नॉट, ये सारी आगे मैंने इनको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है जी। आगे फिर से देखें, पुश PDA का स्टैंड क्या होता है, मैंने बताया पुश डाउन ऑटोमेटा। अब PDA के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होती है सिंपल PDA, एक होती है नॉन सिंपल PDA। जो सिंपल PDA होती है उसमें विदाउट स्टैक, यानी उसके अंदर स्टैक नहीं होता, और उसको हम किससे टेस्ट करते हैं, टू टेस्ट ओनली स्ट्रिंग, और ये हम सिर्फ स्ट्रिंग्स को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ होती है नॉन सिंपल PDA, जो कि एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है, कॉम्प्लेक्स यूजिंग स्टैक, ठीक है, और टू टेस्ट बोथ स्ट्रिंग्स एंड लैंग्वेज। अब देखें, यहाँ पे विदाउट स्टैक होता है जबकि इसमें यूजिंग स्टैक होता है। यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि यहाँ पे दोनों, यानी स्ट्रिंग को भी हम टेस्ट करते हैं और लैंग्वेज को भी टेस्ट करते हैं। ये हो गया डिफरेंस। अब अगर आपको PDA की डेफिनेशन आ जाए या पूछा जाए कि कितनी टाइप के PDA होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि टू होते हैं, सिंपल और नॉन सिंपल। और अगर आपको सिंपल और नॉन सिंपल PDA का डिफरेंस पूछ लिया जाए, तो आप ये दोनों बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बेसिक, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टैक यहाँ पे भी यूज़ हुआ है और यहाँ पे भी यूज़ हुआ है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्टैक बेसिकली होता क्या है। स्टैक इज़ अ मेमोरी लोकेशन वेयर डाटा इज स्टोर्ड, ठीक है, बट स्टोर डाटा रूल फर्स्ट इंटर लास्ट आउट। उसने कहा है स्टैक एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम अपना डाटा स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कहीं जाना है तो आप अपना एक बैग तैयार करते हो, बैग के अंदर आप अपने ड्रेसेस रखते हो। आगे उसने रूल दे दिया है, ठीक है, क्या करते हैं, फर्स्ट इंटर लास्ट आउट। अगर आप बैग के अंदर कपड़े रख रहे हो, तो जब आप उसकी जिप ओपन करते हो अपनी लोकेशन पर पहुँच के, ठीक है, सबसे पहले आपने जो पहला ड्रेस डाला था, ठीक है, जब वो पहले आपने डाला था, और जब आप वहाँ अपनी जगह जाकर जहाँ पहुँचना है अपना बैग लेकर, वहाँ पहुँच कर जब आप बैग को खोलेंगे, तो जो आपने पहला सूट डाला था जो सबसे नीचे पड़ा है, वो आपको सबसे बाद में निकालेंगे आप उसको, ठीक है। इसका मतलब है फर्स्ट इंटर लास्ट आउट, के जो चीज़ आप अपनी किसी बॉक्स के अंदर पहले रखते हैं उसको लास्ट में निकाल दें, क्योंकि ऊपर वाली चीज़ें पहले निकालनी होती है ना। तो ये होता है स्टैक। अच्छा जी, उसके बाद हमने ये थोड़ी सी चीज़ें रिवाइज़ करनी है, क्योंकि हमें यहाँ इनकी ज़रूरत है। अब आपको पता है फाइनाइट ऑटोमेटा FA का और रेगुलर एक्सप्रेशन RE का। जब मैं कहती हूँ ना कि आपको इन चीज़ों का पता है, तो इसका मतलब ये है कि आप वीडियो को बेशक स्टॉप करके ना रिमाइंड किया करें कि FA क्या होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है। इस तरह से रिमाइंड करने से आपको कभी पेपर में चीज़ें भूलेंगी नहीं, ठीक है। अब जो FA होता है वो रिकग्नाइज करता है रेगुलर लैंग्वेज को, ठीक है,
विद आउटपुट स्ट्रिंग टेस्टिंग, ठीक हो गया। इसका यूज़ क्या है, रिकग्नाइज करता है रेगुलर लैंग्वेजेस को, ठीक है, और जो है वो टेस्टिंग करता है आउटपुट स्ट्रिंग्स की। अब जो रेगुलर एक्सप्रेशन होता है वो क्या करता है, यूज टू टेस्ट अ लैंग्वेज। अब आपको डिफरेंस पता चला कि ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये सिर्फ लैंग्वेज को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि फाइनाइट ऑटोमेटा है वो रेगुलर लैंग्वेज के लिए भी इस्तेमाल होता है और स्ट्रिंग्स के को टेस्ट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब देखें, जो पीडी होता है, इनपुट टेप कह लें या स्टैक कह लें, पीडी के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होती है इनपुट टेप और एक होती है स्टैक। यूज़ फॉर बोथ मीन्स टू टेस्ट शेयरिंग स्ट्रिंग एंड लैंग्वेजेस। अब उसने कहा है कि जो पुश डाउन ऑटोमेटा होता है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इनपुट टेप और दूसरी होती है स्टैक। अब जो इनपुट टेप और स्टैक, ये दोनों चीज़ें जो होती हैं ना, ये हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रिंग्स को टेस्ट करने के लिए और लैंग्वेज को, ठीक है। कहीं भी आपसे पूछ लिया जाए ना कि इनपुट टेप और स्टैक जो है उसका यूज़ क्या है पीडीए के अंदर, तो आप बता सकते हैं यूज़ फॉर बोथ मीन्स टू टेस्ट शेयरिंग एंड लैंग्वेज, स्ट्रिंग एंड लैंग्वेज, सॉरी, यानी कि स्ट्रिंग और लैंग्वेज दोनों को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो आपने देखनी है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से आता है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज से पुश डाउन ऑटोमेटा, ठीक है। हम ये रूल सीख चुके हैं बनाने के, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से लैंग्वेज से पुश डाउन ऑटोमेटा। अब ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी, सिर्फ मैंने आपको रिवाइज करवाई हैं, रिमेंबर करवाई हैं थोड़ी सी चीज़ें, ताकि हमारे आगे काम आ सके। और ये मैंने आपको डिफरेंस बताया है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे इस्तेमाल होती है। अब देखें डिफरेंस बिटवीन एफए एंड पीडीए। अभी अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि बताएं कि फाइनाइट ऑटोमेटा में और पुश डाउन ऑटोमेटा में क्या फ़र्क है, तो अब ये सारा लिख सकते हैं कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू जनरेट स्ट्रिंग्स एंड देन कंपेयर स्ट्रिंग, सो एफ ए फेल इन दिस केस एंड वी यूज़ पी डी ए। उसने कहा है कि एफ ए जो होता था ना उसके अंदर हम जनरेट्स करते थे स्ट्रिंग्स को, रेगुलर एक्सप्रेशन को हम डायग्राम बनाते थे, लेकिन उसमें ये मुश्किल होता था कि हम पहले उसको जनरेट करते थे फिर उसको दूसरी चीज़ों के साथ कंपेयर करते थे, तो वो वाला मेथड फेल हो चुका है। तो उसने कहा है कि अब हमने एक नया मेथड इंट्रोड्यूस करवाया है और हम उसको यूज़ करते हैं, वो है पी डी ए। एफ ए हैव नो मेमोरी, एफ ए की अपनी कोई मेमोरी नहीं होती, और पी डी ए हैव मेमोरी दैट इज़ स्टैक। कहा था ना स्टैक क्या होता है, कि स्टैक के अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं, एक मेमोरी लोकेशन होती है, ठीक है, कॉलम की फॉर्म में कह लें, रोज की फॉर्म में कह लें, तो ज़्यादातर ना कॉलम की फॉर्म में ही होता है। तो इसलिए आप डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट ऑटोमेटा और पी डी ए इस तरह से बता सकते हैं कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है हमारे लिए कि स्ट्रिंग्स को जनरेट करें पहले और फिर उसको कंपेयर करें, तो ये फेल है, इसलिए हमने पुश डाउन ऑटोमेटा को इंट्रोड्यूस करवाया और हम वही यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि, और दूसरा डिफरेंस आपने ये बताना है कि जो फाइनाइट ऑटोमेटा होता है उसके पास मेमोरी नहीं होती, जबकि पुश डाउन ऑटोमेटा के पास मेमोरी होती है, जिसको हम स्टैक कहते हैं। आगे दूसरी थर्ड चीज़ जो है, ये आपको क्वेश्चन जो है, ये जो मैंने जितने भी इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन ऐड किए हैं ये क्वेश्चन आए हुए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन है, अच्छा जी एक मिनट, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें से, इस आंसर में से क्वेश्चन क्या बन सकता है या क्वेश्चन कौन सा है तो ये आंसर बनता है। उसने, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि जब हम पी डी ए बनाते हैं तो कौन सी लैंग्वेज उसके अंदर होती है और कौन सी नहीं होती, तो हम ये कह सकते हैं कि इफ़ वी मेक पी डी ए, कि जब हम पी डी ए बनाते हैं तो लैंग्वेज होती है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। यहाँ अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि जब हम पी डी ए बनाते हैं तो सी एफ एल लैंग्वेज ही होती है, यानी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज ही होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि हो भी सकती है, मे बी और मे नॉट, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन एक छोटा सा बन सकता है, या एम सी क्यूज बन सकता है, व्हेन वी मेक पी डी ए लैंग्वेज मे बी सी एफ एल और मे बी नॉट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, पी डी ए को बेसिकली हमने शो किस तरह करवाना है, मैंने कहा था ना स्टैक्स होते हैं, ये होते हैं स्टैक्स, ठीक हो गया। अब देखें पी डी ए यानी पुश डाउन ऑटोमेटा, अब ये जो है ये मैंने रैंडमली इसके अंदर बी सी डी ई एफ जी एच जो है वो डाल दिए। अब इस तरह से रो की फॉर्म में आपके पास आए तो हम उसको कहते हैं इनपुट सैम्बल या उसको कहते हैं टेप, ठीक है, ये होगी हमारी टेप की फॉर्म। दूसरी जो है ये स्टैक होते हैं,
स्टैक यानी जहाँ पे हमने अपना डाटा स्टोर कराना होता है। तो ये मैंने रैंडमली जस्ट आपको समझाने के लिए C1, C2, C3, C4, C5 बॉक्सेस स्टैक दे दिए, यानी कि आपके गर्ल्स के लिए अलमारी या कबर्ड वगैरह यूज़ करती हैं तो उसमें स्टैक्स होते हैं ना कि मैंने इस पोर्शन में ये रखना है, इस पोर्शन में ये रखना है, इस पोर्शन में ये रखना है। तो जब आपके पास वो स्टैक होएगी नहीं, कोई कबर्ड होएगी नहीं, तो आप कहाँ पर अपनी चीज़ें स्टोर करेंगे। तो यही है कि PDA के पास मेमोरी होती है और FA के पास मेमोरी नहीं होती, ठीक है। अब PDA के अंदर जब हम कोई भी चीज़ रीड करते हैं तो किस तरह से करते हैं, थर्ड चीज़ हमारे पास एक तो ये हो गई ना इनपुट सिंबल्स या टेबल, दूसरी होगी स्टैक या मेमोरी, तीसरी होती है फाइनाइट ऑफ कंट्रोल जिसको हम कहते हैं ऑपरेशंस परफॉर्म, यानी इस जगह पे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। सबसे पहले ये फाइनाइट ऑफ कंट्रोल क्या करता है, सबसे पहले वो बी को रीड करेगा, फिर क्या करेगा इधर से स्टैक मेमोरी में उसको स्टोर कराता जाएगा। अब देखें टॉप एलिमेंट इज ए स्टैक, अब इसका टॉप एलिमेंट Z5 जो है वो इसका स्टैक है। अब स्टैक के अंदर जो एक रूल होता है जो मैंने कहा था लास्ट इन फर्स्ट आउट, जिसको हम इस तरह भी कह सकते हैं LIFO, LIFO, और ये अपोजिट भी होता है, ये हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स में पढ़ा था, ठीक है। फर्स्ट इन लास्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसमें ये होगा लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब होता है कि जो हमने लास्ट पे इंटर किया था वो सबसे पहले आउट होगा, ठीक है। ये लास्ट में हमने इंटर किया था तो जब हम इसको आउट करेंगे तो ये सबसे पहले आउट होगा। उसके बाद हमने पढ़ना है ऑपरेशंस परफॉर्म्ड इन PDA के पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन हमारे परफॉर्म होते हैं। तीन होते हैं, एक होता है पॉप ऑपरेशन, दूसरा होता है स्ट्रिंग्स ऑफ स्टैक यानी सैम्बल हमारी जो होती है वो पुश होती है, तीसरी हमारी स्ट्रिंग जो होती है वो टॉप पर जाके पुश हो जाती है। जो पॉप ऑपरेशन होता है उसको आप इसमें से देख सकते हैं कि देखें ये 1, 2, 3, 4, 5 है, जो टॉप एलिमेंट होता है वो हमारा पॉप होता है, तो यहाँ पे हमारा पॉप क्या होगा, पॉप 5। तो इस तरह से अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, इस तरह से डायग्राम देके कहें ना कि इसमें से पॉप कौन सा है, तो आप बता सकते हैं टॉप वैल्यू को। उसके बाद है दूसरा ऑपरेशन हमारा क्या होता है PDA के अंदर, स्ट्रिंग्स ऑफ स्टैक सैम्पल्स इज पुश्ड। अब देखें मेरे पास था ए और बी, दो स्ट्रिंग्स थे, नीचे वाला बी था और ऊपर वाला ए था, ठीक है। जब हमने टॉप एलिमेंट्स को किसी भी स्ट्रिंग को पुश किया ना तो वो ये ए नीचे चला गया तो दूसरी एलिमेंट यानी ए बी बन गया, ठीक है। एक जो बी जो है ना वो पुश हुआ है तो इसलिए वो ए बी बना है। तीसरा है पुश स्ट्रिंग्स टॉप एलिमेंट, वही बात आ गई ना कि जब हम पुश करेंगे ना तो वो टॉप, जैसे कि ये 5 था, जब ये पुश होगा तो इसकी जगह कौन सा ले लेगा, 4 ले लेगा ना, तो इस तरह से होगा। उसके बाद जो PDA के अंदर ना कुछ मूव्स होते हैं, ठीक है, जो हम स्टैक्स जहाँ हम डाटा स्टोर कराते हैं ना उसके अंदर मूव्स होते हैं और कुछ नल होते हैं। अब बेसिकली अगर आपसे पूछ लिया जाए ना कि कितने ऑपरेशन जो हैं PDA के अंदर परफॉर्म होते हैं तो आपने ये तीन बताने हैं, पॉप वाला, स्ट्रिंग को पुश करने वाला जिसके अंदर सैम्बल होगी, और पुश स्ट्रिंग्स टॉप एलिमेंट, टॉप एलिमेंट को हमने पुश कराना होता है, इसके अंदर कुछ मूव्स और होते हैं, ठीक है, और नल भी होते हैं, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए मैं आपको बताऊंगी, फिलहाल बेसिकली मैंने ये एग्जांपल आपको सॉल्व नहीं करवानी क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ नोट्स से, जैसे कि अभी ये देखें ये नोट्स मैंने ओपन कर लिए हैं, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ये अब यहाँ पे ये देखें कितनी लेंथी डायग्राम्स दी हुई हैं, ठीक है, फिर उनको आगे प्रोसेस दिया हुआ है, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो वो मैंने ऐड किया हुआ है कि वो किस तरह से आएगा, ठीक है। ये 38 लेक्चर है, 39 जो भी इम्पोर्टेंट है बस वही करवाना है मैंने आपको, अच्छा। उसके बाद ये एग्जांपल मैंने लिख कर इसको सॉल्व नहीं किया, लेकिन मैंने आपको ये ज़रूर बताना है यहाँ पे कि हम टेप कौन सी होती है, स्टैक कौन से होते हैं, और हमें अगर इस तरह से एलिमेंट्स मिल जाएँ तो हम उनको सेपरेट कैसे करते हैं। उसने कहा कंसिडर द फॉलोइंग CFG, ये एक ग्रामर दी हुई है यानी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दी हुई है। उसने कहा विच इज़ इन CNF यानी कॉन्टेक्स्ट CNF में है और एंड डज नॉट जनरेट द नल स्ट्रिंग। मैंने कहा था ना कि इसके अंदर कुछ मूव्स होते हैं और कुछ नल्स होते हैं, नल होते हैं।
तो अब बेसिकली उसने कहा हेयर द स्टैगर। अब हम फॉर एग्जाम्पल आपको ये क्वेश्चन दे देता है और आपसे कहता है कि आप बताएं इसके अंदर स्टैग कौन से हैं और टेप कौन सी है। क्योंकि जब भी हमने पीडीए का क्वेश्चन सोल्व करना होता है सबसे पहले हमने सेपरेट करने होते हैं अल्फाबेट्स ऑफ टेप और स्टैग। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह से आएगा क्वेश्चन और कहेगा कि बताएं इसमें से टेप कौन से हैं और स्टैग कौन से हैं। तो आपने इस तरीके से बताना है, ये जो होते हैं ना एस ए बी सी कैपिटल लेटर्स जो होते हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनको हम कहते हैं स्टैग्स। और स्टैग्स को इस अलामत से शो करते हैं। अलामत जितने भी हमने साइंस है ना वो मैथ टाइप के अंदर या अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर उनकी प्रैक्टिस करके जाना है कि हमने सिंबल्स किस तरह से अप्लाई करने हैं। तो ये मैंने इस सिंबल के साथ यहाँ पे शो करवा दिए, इस सिंबल के साथ मैंने ये शो करा दिए अल्फ़ाबेट्स, वेयर द टेप अल्फ़ाबेट, जबकि टेप अल्फ़ाबेट हमारे पास स्मॉल अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो यहाँ पे ये तो सारे कैपिटल हैं जबकि ये बी और ये स्मॉल हैं, तो इसलिए मैंने टेप वाले को सिर्फ ए और बी ही लिखा है। अब आपने ये याद रखना है जब भी हम किसी स्टैग के अल्फ़ाबेट्स को शो कराएंगे तो इस साइन के साथ करवाएंगे, और जब हम किसी टेप के अल्फ़ाबेट्स को शो करवाएंगे तो वो सिग्मा के साथ करवाएंगे। और पीडीए का अगर आपको क्वेश्चन आ जाए ना कि पीडीए के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या होता है, तो सबसे पहला स्टेप ही ये होता है कि जब आपको पीडीए का क्वेश्चन आ जाए और उसकी ग्रामर दी हो तो आपने सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स को सेपरेट करना होता है, वो टेप के अल्फ़ाबेट हों या स्टैग के। तो उसका ये प्रोसेस है, आपने इन इन अलामात के ज़रिए इसी ग्रामर के अंदर से उठा के लिख देने होते हैं। यहाँ पर कैपिटल अल्फ़ाबेट आपने जो है वो स्टैग शो करा देने और स्मॉल अल्फ़ाबेट आपने टेप। अब एक और क्वेश्चन इसमें आया हुआ है, ये मैंने बुक पे नोट किया हुआ था बॉल पेन के साथ। तो ये देखें, कन्वर्जन फ्रॉम फॉर्म, फॉर्म पूछा है उसने, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म होती है पीडीए की, पुश डाउन ऑटोमेटन की, पुश डाउन स्टैग और स्टोर की। तो इसका आंसर पेज 119 पे है जो कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, कन्वर्जन फॉर्म ऑफ पीडीए, ठीक है, पुश डाउन ऑटोमेटा की कन्वर्जन फॉर्म पूछी है उसने। दूसरा उसने कहा है जो है वो पुश डाउन स्टैक और स्टोर। तो सबसे पहले आपने ये स्टेप्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक हो गया। ये हैं आपके कन्वर्जन हम किस तरह से करते हैं पीडीए की। सबसे पहले उसने कहा है कि पीडीए इज़ इन कन्वर्जन फॉर्म इफ़ इट फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है, देयर इज़ ओनली वन एक्सेप्ट स्टेट, के जब भी हम कोई डायग्राम बनाते हैं ना उसके अंदर सिर्फ एक ही एक्सेप्ट स्टेट होती है, देयर आर नो रिजेक्ट स्टेट। अब पीडीए की कन्वर्जन जब हम करते हैं उसके अंदर कोई भी रिजेक्ट स्टेट नहीं होती, अगर होगी तो हमारा फॉल्स होगा। अब देखें, एवरी रीड और हेयर इज फॉलो इमीडिएटली। अब ये जो हेयर है, ये हेयर, ठीक है, बाय अ पॉप, उसने कहा है कि हर रीड और हेयर जो होता है वो पॉप को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये सारे आपने पढ़ लेने हैं इनको, ये तो शॉर्ट फॉर्म में है ना, लेकिन ये नीचे वाले स्टेप्स थोड़े से लॉन्ग दिए हुए हैं। जब आप इसको समझेंगे आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, नहीं तो इस सीक्वेंस तक जो है ना वो आपने लाजमी इसको प्रिपेयर करना है, फिर ये आपका ये क्वेश्चन जो है वो ये 5 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आ सकता है। ये सब कुछ भी नहीं करना, ना आपने डायग्राम बनानी है ना कुछ करना है, जस्ट आपने इसका ये थ्योरेटिकल फॉर्म बतानी है कि बेसिकली हम पीडीए को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें, ये तो एक क्वेश्चन हो गया ना, देखिए कि कन्वर्जन किस तरह होती है पीडीए की। आगे उसने पूछा है पुश डाउन स्टैक और स्टोर, वो कैसे होता है, वो लेक्चर नंबर 40 में देख, ये देखें ये होता है पुश डाउन स्टैक। अब अगर आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि कन्वर्जन ऑफ पुश डाउन स्टैग या वट इज़ पुश डाउन स्टैग, ठीक है, तो आप ये बता सकते हैं। स्टैग का तो आपको ऑलरेडी पता है कि स्टैग का मतलब होता है कि एक मेमोरी लोकेशन है जिसके अंदर हम अपना डाटा स्टोर करवाते हैं। तो पुश डाउन स्टैग के अंदर क्या होगा, इज़ अ प्लेस वेयर द इनपुट लेटर्स आर प्लेस्ड। आपको पता है हम इनपुट देते हैं तो डाटा बनता है ना, डाटा स्टोर होता है। तो कह रहा है कि पुश डाउन स्टैग एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम अपने इनपुट लेटर्स यानी अपने लेटर्स को इनपुट करते हैं यानी दाखिल करते हैं, ठीक है, अनटिल यहाँ तक के दीज लेटर्स रेफर्ड अगेन इट कैन स्टोर मोर लेटर्स, ठीक है। उसने कहा है कि यहाँ तक हम उसको के स्टोर करे रखते हैं जब तक कि वो दोबारा से रेफर ना हो वही वाले लेटर। और दूसरी बात उसने कही है कि लेटर्स एज वन कैन इन अ लॉन्ग कॉलम, उसने कहा है इट कैन स्टोर मोर, आप उसको उन लेटर्स को स्टोर करवा सकते हैं
इसी एक लॉन्ग कॉलम के कॉलन के अंदर भी इनिशियली स्टैक इज सपोज टू बी एम्प्टी। सबसे पहले उसने क्या कि जो हमारा स्टैक होता है उसको हम एम्प्टी सपोज करते हैं क्योंकि वो खाली पड़ा होता है। ईच ऑफ इज स्टोरेज लोकेशन कंटेन्स ब्लैंक। ठीक है, अब आपके पास तीन चार कॉलम है तो बेसिकली तो वो एम्प्टी स्टैक ही होता है ना, ब्लैंक पड़ी होती है ना। तो जब हम उसके अंदर इनपुट लेटर्स करते हैं, अपना डाटा इनपुट करते हैं उसके अंदर, तो तब उसके अंदर हमारा डाटा जो है वो प्लेस होता है। तो बस सिर्फ बेसिकली पुश डाउन स्टैक का मतलब यही है कि हमारा इनपुट लेटर्स उसके अंदर हम स्टोर करवाते हैं और वो जो लेटर हम स्टोर करवाते हैं ना वो तब तक उसके अंदर स्टोर रहते हैं जब तक वो रेफर्ड अगेन ना हो जाए रेफर्ड। और दूसरी बात ये है कि जब हम इनिशियली स्टैक को सपोज करते हैं तो वो एम्प्टी होता है, ब्लैंक होती है स्टोरेज। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये बनता है कि स्टेट यूजेस ऑफ पीडीए इन कंप्यूटर। देखें ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं ना कि पास्ट पेपर्स क्या हैं, पास्ट पेपर्स को बता दें, लेकिन ये मैं गारंटी नहीं देती आपको कि पास्ट पेपर ही आपको आए, क्योंकि जिस जिस तरह से वक्त गुजरता जा रहा है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं हर एग्जामिनर की वो चेंज होती जाती हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि पिछली चीज़ों को फॉलो करें, लेकिन ये ज़रूरी है कि जो बुक के अंदर टॉपिक्स हैं पेपर उन्हीं में से ही बनता है। जब आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपसे कोई कन्फ्यूजन वाला भी क्वेश्चन पूछ लेगा ना, तो आप उन कॉन्सेप्ट में से ही उसका आंसर ढूंढ के लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है स्टेट यूजेस ऑफ पीडीए इन कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग के अंदर हम पुश डाउन ऑटोमेटा को कैसे इस्तेमाल में लाते हैं, तो आपने ये कहना है इट प्रोवाइड थोरेटिकल बेसिस फॉर हाउ कंप्यूटिंग मशीन कैन परफॉर्म कंप्यूटेशन। उसने कहा है कि ये हमें एक थ्योरी टाइप यानी थोरेटिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हमने मशीन के अंदर जो हमारी कंप्यूटेशन होती है वो किस तरह से हमें परफॉर्म करनी है। अब वो कंप्यूटेशन प्लस माइनस डेल्टा डॉलर साइन किसी भी साइन में हो सकती है। इट इज़ यूजेस फॉर कंस्ट्रक्टिंग कंपाइलर पार्सर डिज़ाइन। तो बेसिकली हम इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं, कंस्ट्रक्ट डिज़ाइन करने के लिए, कंपाइलर के लिए। ठीक है, अब अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि हम पुश डाउन ऑटोमेटा की कंप्यूटिंग के हवाले से किस तरह से इसको यूज़ में लेकर आते हैं, तो आपने कहना है ये एक थ्योरेटिकल बेसिस प्रोवाइड करता है हमें कि हमने मशीन के अंदर कंप्यूटेशन किस तरीके से करनी है। दूसरा, हम इसको कंपाइलर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हो गया, आगे लेक्चर नंबर 41 पे आ जाए। देखिए जितना जितना मुझे इंपॉर्टेंट लगा है ना मैंने वो आपको कवर करवा दिया, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप लोगों ने पीडीए की कन्वर्जन फॉर्म भी सीखनी है, उसके डायग्राम्स बनाना सीखने ताकि पेपर में आ जाए, तो आप अपनी बुक से कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जितना मैंने इन लेक्चर्स के अंदर आपको कवर करवाया है ना, आई एम श्योर कि आप 90%, क्योंकि ये एक टॉपिक ऐसा है जो मुझे बहुत लेंथी लगा है और मुझे लगा है कि जब आप सिर्फ इसी पे फोकस करेंगे तो वो छोटी छोटी चीज़ों को भूल ना जाएं, क्योंकि इसके स्टेप्स काफ़ी बड़े हैं। तो अगर इट्स अप टू यू, अगर आप करना चाहते हैं तो मेक श्योर आप कीजिए। ठीक है, तो अगर नहीं करना चाहते तो इतना तो कम अज़ कम प्रिपेयर करें जितना मैंने तैयार करवाया है, ताकि जितना करें अच्छा करें, भाग दौड़ नहीं करें, ये भी कर लें ये भी कर लें ये भी कर लें और एंड पे आए कुछ भी ना। वो कुकिंग में कहते हैं ना गर्ल्स के कोई चीज़ बनाने लगे तो कहती हैं ये भी डाला वो भी डाला वो भी डाला और ये क्या बन गया। तो मतलब सब कुछ डालने से ही कोई चीज़ जो है वो मज़े की नहीं बनती, जितनी डालो अच्छी वाली डालो, क्वालिटी वाली डालो। ठीक है, क्वेश्चन है स्टैक कंसिस्टेंट मीन्स दैट इन पीडीए। पीडीए के अंदर जो स्टैक कंसिस्टेंट होता है उसका क्या मतलब है, अभी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो उसका आंसर है व्हेन अ रो पॉप अ कैरेक्टर इट शुड बी देयर एट द टॉप ऑफ द स्टैक। मैंने कहा कि जब हम किसी एक रो को पॉप करवाते हैं ना उसके कैरेक्टर को, तो वो टॉप पे जाकर स्टैक की जगह पे आ जाता है। मैंने बताया था ना कि स्टैक में टॉप पे हमारा पॉप पड़ा होता है, तो बस वही बताना चाह रहा है कि स्टैक कंसिस्टेंट कब होता है या उसका क्या मतलब होता है पीडीए के अंदर। तो मतलब होता है कि जब किसी एक रो को पॉप कराया जाता है या उस रो के एक करेक्टर को पॉप कराया जाता है, तो इट शुड बी देयर एट द टॉप ऑफ द स्टैक, तो वो स्टैक के टॉप पे होता है। ठीक हो गया, व्हाट इज अ रो लैंग्वेज। अब अगर आपको क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज अ रो लैंग्वेज, रो लैंग्वेज क्या होती है,
रो लैंग्वेज हुज अल्फाबेट्स इज रो वन, रो टू एंड सो ऑन रो सेवन. एग्जाम्पल उसने इसकी दी कि द अल्फाबेट कंसिस्ट ऑफ द लेटर्स विच आर द नेम्स ऑफ द रोज इन द समरी टेबल. अब जैसे कि मैंने आपको पीछे ये एक एग्जाम्पल बताई थी, शायद वो काफ़ी पीछे चली गई हो, ठीक है. अब ये देखिए, ये एक रो है, ठीक है. इस रो के अंदर नीचे भी और रोज होती, ठीक है, तो आप वो बता सकते थे उनको. ये देखें, जैसे कि ये रो है, ठीक है. जब वो उसको पुश करेगा तो वो उसके स्टैक के फर्स्ट वाली जगह पे पॉप होकर आ जाएगा. अच्छा जी, आगे हमारा क्या क्वेश्चन बनता है, इसको फिर से आप देख लें. अगर आपको नहीं समझ आई, इस वीडियो को स्टॉप करके आप दोबारा से समझ लिया करें. बाज़ का तुम्हारा ध्यान कहीं और होता है, तो हम कहते हैं कि हमें इस चीज़ की समझ नहीं आई, तो ध्यान को हर चीज़ से हटाकर दोबारा से सुन लिया करें. अच्छा, अब मैंने आपसे कहा था ना कि इसके अंदर जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा या जो पास्ट में है वो मैं बता दूंगी कि कहाँ पे है. तो एक क्वेश्चन ये आया हुआ था डायग्राम में. मैंने कहा था कि डायग्राम जिसकी बहुत बड़ी बड़ी हैं तो वो इतना कुछ नहीं दे सकता, बिकॉज कंप्यूटर के ऊपर हमने परफॉर्म करना होता है सारा, और कुछ ट्रेनी स्टूडेंट्स भी नहीं होते जिनको कंप्यूटर का यूज़ आता हो. तो वो कोशिश यही करते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन दें कि जिसका आंसर ईजिली स्टूडेंट दे सके विद इन टाइम. तो अब उन्होंने ये डायग्राम दी हुई थी, ठीक है. ये डायग्राम भी उन्होंने बुक्स के अंदर एग्जांपल दी हुई है, सॉल्व की हुई, उसी के एग्जांपल सॉल्व के किसी एक स्टेप में से उठा के उन्होंने दे दिए, ठीक है. ये दी हुई थी उन्होंने. तो उन्होंने पूछा है व्हाट डज द फॉलोइंग टेप ऑफ ट्यूरिंग मशीन शो, कि ये जो ट्यूरिंग मशीन है, ये जो टेप है, क्या शो कर रही है. तो आपने कहा है विच शोज दैट ये जो रो 11 है इज़ नॉट नेट स्टाइल सेंटेंस, कि ये जो रो 11 है आपकी, ये नेट स्टाइल सेंटेंस नहीं है. बिकॉज क्यों, क्योंकि ट्रिप फ्रॉम रीड 9 टू रीड 3, कि ये जो ट्रिप लेता है ना, जहाँ पे वो रीड करता है 3 को और फिर 9 को, डज नॉट पॉप वन लेटर फ्रॉम द स्टैक. उन्होंने कहा है कि पॉप नहीं करते, एक लेटर को स्टैक तक पॉप नहीं करते. फिर से ये पहले दो लाइनें आपको समझा दूँ कि ये जो रो 11 है ये नेट स्टाइल सेंटेंस नहीं है. क्यों, क्योंकि ये जो रीड 3 और रीड 9 है ये पॉप नहीं करती एक लेटर स्टैक तक, ठीक है. क्योंकि जब पॉप होता है तो वो स्टैक की फर्स्ट लाइन में चला जाता है. वाइल इट एड्स टू लेटर्स टू द स्टैक, उसने कहा है वन लेटर स्टैक नहीं, स्टैक तक नहीं जाता, जबकि टू लेटर्स जाते हैं स्टैक तक. क्यों, क्योंकि वो दो स्टेट्स को रीड कर रहा है ना, रीड 3 को कर रहा है और 9 को कर रहा है, तो दो लेटर जा रहे हैं स्टैक तक. हाउएवर रो 11 कैन बी कॉन्कैटिनेटेड विद सम अदर नेट स्टाइल सेंटेंसेस. अब देखिए कितना ईजी है इसको समझना और इसका जवाब देना, कि जो हमारी रो 11 है वो नेट स्टाइल सेंटेंस में नहीं है. क्यों, क्योंकि वो रीड 3 और रीड 9 को कर रही है, ठीक है. जब इसको वो रीड करती है तो वो एक लेटर को पॉप नहीं करती और स्टैक तक नहीं जाती, वाइल जबकि वो टू लेटर्स को स्टैक तक लेकर जाती है. अब उसने कहा हाउएवर द हम रो 11 कैन बी कॉन्कैटिनेटेड विद अदर नेट स्टाइल सेंटेंसेस, क्योंकि ये नेट स्टाइल सेंटेंस नहीं है ना, तो इसलिए फिर इसको किसी और नेट स्टाइल सेंटेंस के साथ कॉन्कैटिनेटेड यानी जोड़ दिया जाता है. आगे इसकी उन्होंने वैसे ही मैथमेटिकल फॉर्म बना के लिख दिया, रो 11 नेट रीड 3 रीड 7 कॉमा ए फिर रीड 7 रीड 1. ये आपने खुद से लिखनी है, ठीक है. ये आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है. अगर नहीं भी लिख सकते ना तो कम से कम आप इतना मैथमेटिकल तो ज़रूर लिखें. ओके, हो गया. उसके बाद क्वेश्चन बनता है, ठीक है जी. एक और क्वेश्चन आया हुआ था, वो है डिफाइन टू रूल्स फॉर रो लैंग्वेज. मैंने बताया ना पीछे, हमने पढ़ा कि रो लैंग्वेज क्या होती है, हम उसका भी आंसर प्रिपेयर कर चुके हैं, ठीक है, इसी वीडियो में. दूसरा कि इस रो लैंग्वेज के दो रूल आप डिफाइन करें, ये आपको दो नंबर का, तीन नंबर का भी आ सकता है क्वेश्चन, और ये आया हुआ है, जो आए हुए हैं मैंने वही इस वीडियो के अंदर ऐड किए. तो आप ये रूल दो बयान कर देंगे. फॉलोइंग आर दी, बेसिकली उसने तीन रूल दिए हुए थे बुक के अंदर, तो मैंने तीनों ही फिर यहाँ पे रख लिए, कि अगर आप तीन याद करेंगे तो कम से कम दो तो आपको याद रहेंगे ना, और मे बी वो तीनों ही पूछ ले, ठीक है. तो
द ट्रिप स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट, आपको पता है कि जब भी हम कोई डायग्राम बनाते हैं तो उससे एस का, एस से उसका स्टार्ट लेते हैं, तो हमने उसको लिख दिया कि जब भी हम कोई डायग्राम बनाते हैं यानी कोई ट्रिप बनाते हैं तो उसका स्टार्ट लेते हैं स्टार्ट स्टेट से एंड एंडिंग इन एक्सेप्ट स्टेट, तो जब वो एंड पे एक्सेप्ट हो जाती है तो हम उसको कहते हैं एक्सेप्ट स्टेट। तो हमने बस यही बताना है कि ट्रिप स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट स्टेट एंड एंडिंग इन एक्सेप्ट स्टेट विद द नेट स्टाइल नेट, नेट स्टाइल नेट उसके अंदर आप लिख देंगे स्टार्ट कॉमा एक्सेप्ट कॉमा डॉलर साइन, ठीक हो गया। ये आपने लिख दी थ्योरेटिकल फॉर्म, ये आपने लिख दी मैथमेटिकल फॉर्म। गिव्स द प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म, अब ये किस तरह से प्रोडक्शन बनाएगा ग्रामर रूल के अंदर, ऐसे स्टार्ट लिया नेट स्टार्ट कॉमा एक्सेप्ट कॉमा डॉलर साइन, ये है जी उसके रूल। इतना आसान है ये बताना कि रो लैंग्वेज के दो रूल्स के, सबसे पहले जब भी हम कोई ट्रिप मतलब कि हम कोई डायग्राम बनाते हैं ना, आगे पीछे कुछ चीज़ों को पुश करवाते हैं पॉप करवाते हैं, तो वो एक ट्रिप ही है कि कहीं जाना और वहाँ से वापस आना। तो आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं कि ट्रिप स्टार्ट हम करते हैं स्टार्ट स्टेट से और एंड करते हैं एक्सेप्ट स्टेट से, ठीक है, विद दी नेट स्टाइल नेट। और नेट स्टाइल नेट को हम उसने कहा इस तरह शो कराते हैं स्टार्ट कॉमा एक्सेप्ट कॉमा डॉलर साइन। तो अब इसको अगर मैंने शो कराना हो प्रोडक्शन फॉर्म में या ग्रामर की फॉर्म में, तो मैं ऐसे लिखूंगी एरो एम्प्लाई कर रहा है नेट, आगे वही ये वाली सारी मैंने एज इट इज लिख दिया, ओके हो गया। अब जो क्वेश्चन और आए हुए हैं वो ये हैं, एक तो ये है कि आपके मोस्टली क्वेश्चन जो हैं वो सी एफ जी यानी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में से आपको आते हैं, या एक तो ज़रूर आता है। फिर अ रेगुलर एक्सप्रेशन गिव एंड ड्रा फाइनाइट ऑटोमेटा, अब अगर आपको कोई रेगुलर एक्सप्रेशन दे दिया होगा जिसके ऊपर स्टार होता है आपको याद हो तो, ठीक है, या प्लस होता है पावर में, तो वो आपको कहेगा कि इस रेगुलर एक्सप्रेशन को देकर फाइनाइट ऑटोमेटा ड्रा करें, ठीक है, या आपको वो फाइनाइट ऑटोमेटा की एक डायग्राम बना के दे देगा और कहेगा कि इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखें लाइक ए प्लस बी होल का स्टार ये वो, ठीक है। फिर वो कहेगा हाउ वी प्रूफ आर नॉन रेगुलर लैंग्वेज, हमें रेगुलर लैंग्वेज का जब पता होगा तो हमें पता ये भी पता होगा कि नॉन रेगुलर लैंग्वेज को हम किस तरह से प्रूफ करते हैं। फिर प्रिपेयर पंपिंग लीमा, अब ये चारों क्वेश्चन जो आए हुए हैं ना पास्ट पेपर में, ये जो पिछला पास्ट पेपर हुआ था उसमें, ये चारों जितना भी मैं आपको कोर्स कवर करवा चुकी हूँ उसके अंदर ये सारे हैं, तो मेरे कोर्स को ज़रूर पढ़ें, ठीक है। और दूसरी बात ये हो गए हैं हमारे 42 तक, 43 44 45 जो है वो इंशाल्लाह मैं, क्योंकि बच्चों के कुछ के कमेंट्स आ रहे हैं कि उनका परसों पेपर है, तो मैं इंशाल्लाह शाम तक या सुबह सुबह तक कर दूंगी ताकि वो आपके लिए हेल्पफुल हों। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप्स में शेयर करें लिंक को, ठीक है, दूसरों का भी भला हो मेरा भी भला हो, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।